हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना अपना वीडियो नो टॉपिक छे प्लास्टिक आशीर्वाद के अभिशाप। आज आपणे आ विषय पर सरस मजानो निबंध जोवा जई रह्या छे, तो वीडियो ना अंत सुधी बन्या रहेजो, कारण के वीडियो ना अंत में एक सरस मजानु कोटेशन पण छे। तो चालो शुरू करिए। आजकल प्लास्टिक नी चर्चा दरेक क्षेत्र में शुरू थई छे। टेलिविजन, अखबार अने व्यापारी वर्ग प्लास्टिकनी वस्तुओं उपर सरकार प्रतिबंध मूक्यो छे, कारण के तेनाथी प्रकृति ने नुकसान थाय छे। प्लास्टिकनो उत्पादन, हवे जोईशुं के प्लास्टिकनो उत्पादन केटलुं केवुं थाय छे। प्लास्टिक ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट छे। खनिज तेल जमीनमांथी काढवामां आवे छे, त्यार पछी तेनी रिफाइनरीमां लई जई तेमांथी अलग अलग तापमाने वापरवानुं, प्लेन में वापरवानुं पेट्रोल, कार तथा स्कूटर माटेनुं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्रूड ऑइल वगैरह पड़े छे। अने त्यारबाद जे कचरो वधे छे तेनुं नाम छे नेप्था। नेप्था पर फरी रासायनिक प्रक्रियाओ करी तेमांथी पीवीसी जेवा अनेक प्लास्टिकना रूप में पदार्थों मरे छे के जेनो क्यारे नाश करी शकातो नथी। ते एक अथवा बीजा रूप में पोतानुं अस्तित्व जाळवी राखे छे। आम जोईए तो मानवजात माटे आ एक आवश्यक पदार्थ छे। प्लास्टिक ने जड़मूळथी ज पैदा न थवा देवू होय तो पेट्रोल डीजल वापरवानुं तद्दन बंद करवू पड़े। शुं आजना युगमां ए शक्य छे खरू? ना। माटे उपाय ए छे के तेने समझी अने वापरी अने वापर्या बाद तेने ज्यां त्यां फेंकी न देता तेने रिसाइकल करिए। भारतमां सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मुकायो छे। हाल आश्रे बधा राज्योए पोताना सर्वे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मूक्यो छे, जेना कारणे प्लास्टिकनो उपयोग घटी रह्यो छे। परंतु हजी पण प्लास्टिक एटलू बधु वपराय छे के ठेर ठेर प्लास्टिकनो कचरो वधी ज रह्यो छे। ग्लास, गुटखाना पाउच, नाना कटलरी वगैरे वस्तुओना कारणे प्लास्टिक प्रदूषण वधे छे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक खतरनाक चीज छे। इंटरनेट पर थी लीधेला आंकड़ाओ मुजब कुल प्लास्टिक में अर्धो उत्पादन एशिया में थाय छे, तेमा सर्वाधिक चीन नो छे, एटले के चीन सौथी वधारे प्लास्टिक उपयोग करे छे। भारत में 2019 में प्रति व्यक्ति आश्रे 70 किलो प्लास्टिक नी खपत थवानुं अनुमान छे। प्लास्टिकनो उपयोग बंद करी तेनी जग्याए पेपर बेग, पेपर कपनो उपयोग करिए, जेमा पेपर कपनी अंदर बायोडिग्रेडेबल छे। प्लास्टिकना पर्याय तरीके आपणने कई वस्तु आपे छे तेना प्रत्ये जरूर ध्यान आपवू जोईए, कारण के जो पेपर बायोडिग्रेडेबल ना होय तो तेमां प्लास्टिक पण होय ज अने तेनो नाश थतो नथी। चलो आगळ जोईए। आपणा जीवननो हिस्सो बनी चूकेला प्लास्टिक प्रकृति माटे जोखमकारक छे, साथ ज પ્લાસ્ટિકથી આરોગ્યની પણ ઘણું નુકસાન થાય છે। ધાર્મિક સ્થળોની યાત્રાઓ દેવદર્શને જાય ત્યારે જ્યાં ત્યાં પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ ફેંકી દે છે। લગ્ન પ્રસંગોમાં પણ ખૂબ મોટી માત્રામાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે। પ્લાસ્ટિક વાપરવું સરળ સહેલું ભલે હોય, પરંતુ તે જોખમી છે। પ્લાસ્ટિકને કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે છે અને જમીન બિનઉપજાઉ બને છે। શહેર હોય કે ગામ, દરેક જગ્યાએ પાલતુ જનાવર હોવાના ગાય, ભેંસ, બકરી જેવા પશુ આપણા દ્વારા ફેંકેલી ચીજ વસ્તુઓ ખાય છે, ત્યારે તેમના પેટમાં આવી પોલિથીનની બેગ જાય છે, તેમના આંતરડામાં ફસાય છે અને આના લીધે તેમનું મૃત્યુ થાય છે। પ્લાસ્ટિકને જો બાળી દેવામાં આવે તો તેમાંથી ઝેરી ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગેસ વાતાવરણ અને પ્રકૃતિને ખરાબ બનાવે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 72મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દરમિયાન લાલ કિલ્લા પરથી દેશને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના અભિશાપથી મુક્ત કરવા નિર્ધાર કર્યો। સાથે ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતિથી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકને કાયમ માટે તિલાંજલિ આપવાની ઘોષણા કરી। ગુજરાત માત્ર પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનમાં જ નહીં પણ વપરાશ અને કચરો પેદા કરવામાં પણ મોખરે છે, ત્યારે આપણે સૌએ સાથે મળીને પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ। તો આજથી જ સંકલ્પ કરીએ, પ્લાસ્ટિકની થેલીનો ઉપયોગ બંધ કરીએ, પ્લાસ્ટિકની થેલીનો ઉપયોગ બંધ કરીએ, પ્લાસ્ટિક કચરાને જડમૂળથી હટાવીએ, પ્લાસ્ટિક કચરાને જડમૂળથી હટાવીએ।
सो आ हतो आजनो वीडियो। जो वीडियो गम्यो होय तो लाइक करो, कमेंट करो अने मित्रों साथे शेर करो। थैंक यू।